भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक महीना चोटिल रहने के बाद मैदान पर जोरदार वापसी की है लुसाने डायमंड लीग में अपने गोल्डन आर्म का जादू दिखाते हुए उन्होंने सतासी दशमलव छः छः मीटर दूर बाला फेंक एक बार फिर गोल्ड पर कब्जा किया है नीरज चोपड़ा ने यह कारनामा अपने पाँचवें प्रयास में किया यह उनका इस साल का दूसरा और कुल आठवां इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है इससे पहले उन्होंने दोहा डायमंड लीग में भी बाजी मारी थी दुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने शुरुआत फाउल के साथ की थी इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में तिरासी तो तीसरे में पिचासी मीटर की दूरी तय की मगर उनके यह थ्रो गोल्ड मेडल के लिए काफ़ी नहीं थे जर्मनी के जूलियन वीबर ने छियासी मीटर के थ्रो के साथ नीरज से आगे चल रहे थे ज़्यादा दूरी तय करने के प्रयास में नीरज ने चौथा थ्रो फाउल किया जिस वजह से उन पर दबाव बढ़ गया मगर वह कहते हैं ना बड़े खिलाड़ी दबाव में ज्यादा निखर कर सामने आते हैं नीरज ने अपने पांचवें अटैम्प में सतासी दशमलव छः छह मीटर दूर बाला फेंक गोल्ड पर कब्जा जमाया इस थ्रो से वह लीग में हिस्सा ले रहे अन्य एथलीट से आगे निकल गए जूलियन वीबर ने जरूर अपने अंतिम प्रयास में सतासी दशमलव जीरो तीन की दूरी तय कर नीरज को टक्कर देने की कोशिश की मगर वह उन्हें पछाड़ नहीं पाए जर्मनी का यह खिलाड़ी अपने इस थ्रो से दूसरे पायदान पर रहा नीरज के आखिरी थ्रो चौरासी दशमलव एक पाँच मीटर का रहा इसके बाद तीसरे स्थान पर चेक गणराज्य के याकूब वादलेजे इस प्रतियोगिता में रहे उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला